विगत दिनों से राजधानी के राजभवन के समीप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जूनियर इंजीनियर परीक्षा का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किए जाने को लेकर नाराज अभ्यर्थी धरना सह आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आंतरिक रूप से नाराज और आक्रोशित छात्र सभी विषयों को लेकर आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का शव यात्रा, बाल मुड़वाकर एवं श्राद्ध क्रम क्रिया, इसी कार्यक्रम के दौरान छात्र की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल में एडमिट किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अभ्यर्थी का कहना है कि रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर विगत दिनों से सरकार के पास मांग रखकर थक चुके हैं। अब तक हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं, अंततः हम सब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का श्राद्ध क्रम कर रहे हैं। सर, कारण यही है सर कि हम लोग का जेएसएससी जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। सर, हम लोग मंत्री नेता पास घूम घूम के सर मर थक चुके हैं सर, मानसिक पीड़ा हो रही है सर। तो हम लोग आज जेएसएससी का चेयरमैन का सर और जेएसएससी का श्राद्ध कर रहे हैं सर। हम लोग सरकार के लिए श्राद्ध कर रहे हैं सर कि हम लोग के लिए, हम लोग युवाओं के लिए सर, सरकार मर चुकी है सर। यहाँ सर देख रहे हैं सर, चार दिनों से हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं सर। हमारे साथी भी सर बीमार पड़ चुके हैं सर, बिना कुछ खाए पिए सर अनशन बैठे हुए हैं सर। सर देखिए, हम लोग जेएसएससी जेई के अभ्यर्थी हैं। हम लोग तीन तीन बार परीक्षा दे चुके हैं लेकिन रिजल्ट एक बार भी नहीं आया। पिछले तीन सालों में तीन बार परीक्षा हुआ, अंतिम परीक्षा अक्टूबर में हुआ, अक्टूबर 2023 में, 5 महीना बीत गया। चूँकि परीक्षा TCS द्वारा लिया गया था, ये TCS विश्व की सबसे विश्वसनीय संस्था है। ये TCS जब केंद्र में जाती है और JEE का परीक्षा लेती है तो वहाँ पे 7 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं लेकिन एक हफ्ते के भीतर परिणाम आता है। यहाँ झारखंड में मात्र 50,000-60,000 बच्चे परीक्षा दिए हैं और 4 महीना बीत गया लेकिन परिणाम नहीं आ रहा है। पिछली बार हम लोग जेएसएससी आयोग के बाहर गए थे, बैठे थे, लेकिन हम लोग को बोला गया 10 से 12 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा। एक महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तब हम लोग यहाँ आने के लिए बाध्य हुए। 16 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग सोचे कि राज की तंत्र मर गई है और जेएसएससी की मृत्यु हो गई है, तो हम लोग जेएसएससी का शव यात्रा और श्राद्ध क्रम आज कर रहे हैं। अपने सिर को गम में मुंडवाएंगे कि कम से कम यह दिलासा तो नहीं रहेगा कि इस राज्य में आयोग भी है। जब आयोग का मृत्यु हो गया तो हम लोग को कोई उम्मीद नहीं रहेगा, कम से कम घर जा कर के सो सकेंगे चैन से।